नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कर वसूली पर कहा कि वित्तीय वर्ष का यह अंतिम तिमाही चल रहा है, इसके अंतर्गत शासन के द्वारा कर वसूली के हम लोगों को लक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसके सापेक्ष अभी वसूली कम है। शासन के द्वारा निर्देश दिया गया है कि टॉप 100 बकायेदारों पर प्रभावी कार्यवाही किया जाए, उनका दुकान सील किया जाए और उनका कैंपस सील किया जाए, जिससे वसूली को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि नगर निगम के द्वारा मौके पर जाकर उनको नोटिस भी भेजा गया है, यदि वह समय पर टैक्स नहीं जमा करेंगे तो उनके परिसरों को सील किया जाएगा, उनके खातों को सील किया जाएगा, जिसमें अभी 4 भवनों को सील किया गया है और 6 खातों को सील किया गया है, जिसके बाद दुकानदारों ने अपना टैक्स तुरंत जमा कर दिया। इसलिए सभी टैक्स भरने वाले नागरिक समय से अपना टैक्स जमा कर दें, इसमें हम लोग 10% की छूट भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं, नगर निगम उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, चूंकि वित्तीय वर्ष का ये अंतिम तिमाही चल रहा है और इसके अंतर्गत शासन के द्वारा हमें लक्ष्य प्राप्त हुए हैं प्रॉपर्टी टैक्स के वसूली के लिए, उसके सापेक्ष अभी वसूली कम है। शासन के द्वारा निर्देश प्राप्त किए गए हैं, दिए गए हैं कि जितने भी बड़े बड़े बकायेदार हैं, टॉप 100 बकायेदारों पे प्रभावी कार्रवाई करें, उनको सील करें, उनका कैंपस सील करें, ताकि टैक्स की वसूली की जा सके। इसी संदर्भ में हमने प्रत्येक जोन में 100-100 बकायेदारों की सूची बनवा ली है। लगातार सबसे फ़ोन करके और सबसे पर्सनली जाकर इंस्पेक्टर्स के माध्यम से लगातार उनको नोटिस भी भेजा गया है, और अगर तय समय पर टैक्स नहीं जमा करेंगे तो उनके परिसरों को सील किया जाएगा, उनके खातों को सीज किया जाएगा। इसमें अभी लगभग 4 भवनों को सील किया है हमने, लगभग 6 खातों को हमने सील कर दिया है, जिसके बाद उन लोगों ने जिनको सील किया था तुरंत उन्होंने जमा कर दिया टैक्स अपना। तो ये नौबत ही ना आए, इसलिए ज़रूरी है कि सभी हमारे जो टैक्स पेयर हैं, हमारे सभी जो सम्मानित जनता है, अपना टैक्स समय से भरे, समय से जमा करें, और जो छूट हम दे रहे हैं 10% की जो छूट दे रहे हैं उसका लाभ प्राप्त करें। देखा गया कि बहुत सारे ऐसे भी भवन स्वामी हैं, खासतौर पे कॉमर्शियल, जिन्होंने अपने एस्टेब्लिशमेंट बना रखे हैं, जिनका वाणिज्यिक उपयोग वो करते हैं, उन्होंने टैक्स जमा ना करके टैक्स की बहुत बड़ा उन पे लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। तो लगातार इसमें कार्रवाई चल रही है, 100-100 बकायेदारों की सूची प्रकाशित की जा रही है और आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। कठोर से कठोर कार्रवाई इन लोगों पर की जा रही है। आपके माध्यम से भी हम सभी गोरखपुर वासियों से अपील करेंगे कि अपना प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम में समय पर जमा करें और छूट का लाभ लें। टैक्स न जमा करने पर विविधिक कार्रवाई की जाएगी, जिससे आवश्यक तौर पर आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए इस परेशानी से बचें और टैक्स समय पर जमा करें।